एंकर मैं तो कांप रहा हूँ क्योंकि यार ठंडी लग गई बता बहुत ज्यादा। बाप रे, एक तो हाफ पहन के लाया क्योंकि यार वहाँ पे ना मौसम लग नहीं रहा था कि भयंकर इतनी बारिश वारिश होगी, इतना ठंडा क्यों होगा करके। अच्छा, मुक्ति सर की राइड कंटिन्यू करते हैं। एंड भाई इतना प्यारा सा मौसम हो रहा है ना। यार हेलो जी, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इन खूबसूरत सी वादियों से। एंड मैं अभी पहुंच रखा हूँ भीमताल से 3-4 किलोमीटर पीछे हूँ। एंड आज का प्लान कुछ इस प्रकार है कि ना यार, मतलब यार मौसम तो एक नंबर हो रहा है भाई, मतलब जितनी तारीफ करी जाए ना भाई बहुत ही कम है। हवाएं भी चल रही है, हल्की हल्की बारिश भी आ रही है और कभी कभी भाई बादल ना यहाँ पे भी आ जा रहे हैं, समझ रहे बात को। तो फिलहाल से यार वो जो वहाँ का एरिया दिख रहा है ना यहाँ पे का, ये काठ गोदाम है, फिर इस पहाड़ के जस्ट इसी से चिपका हुआ पीछे को वो पूरा हल्द्वानी है। एंड भाई देख सकते हो भाई तुम भयंकर, वो बादल दिख रहे वो नीचे वाली हल्द्वानी के साथ, वो जो लेयर लग रखी है वो कभी कितनी प्यारी लग रही है भयंकर, एक नंबर की। तो फिलहाल से यार हम जाने वाले हैं आज मुक्तेश्वर, जो कि काफ़ी मस्त जगह है, वहाँ से भयंकर बहुत ही मस्त मस्त सीन्स आएंगे, शॉट्स आएंगे। तो यार गाइस फिलहाल से अभी का सीन ये है कि जस्ट अभी मैं 2 मिनट पहले भीमताल पहुंचा हूँ। एंड भीमताल नहीं जाना, मतलब भीमताल के रास्ते से इधर साइड को रास्ता कटता राइट साइड को, वो है मुक्तेश्वर का। एंड जस्ट बगल पे है हमारी भीमताल वाली लेक, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है, मतलब भीमताल के अपोजिट वाली लेक से हमें मुक्तेश्वर के लिए मिलेगी। भाई साहब कितने ट्रैफिक है रे, और यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल सी मस्त, बिल्कुल भयंकर बारिश का मौसम भी हो रहा है ना, तो इसमें इसका वाटर लेवल भी ज़्यादा हो रखा है। तो यार फटाफट से तुम्हें ट्रैफिक पार करके मिलते हैं। तो यार ट्रैफिक वैफिक पार कर लिया एंड हमने जस्ट ये भीमताल वाली लेक भी पार कर ली है। तो फिलहाल से यार यहाँ से अब मुक्तेश्वर की करते हैं प्लानिंग और देखते हैं बोट वगैरह में कि कहाँ से है भैया। सो गाइस यार फिलहाल से हाफ टी शर्ट पहन के ला रखा हूँ मैं एंड ठंडा होते जा रहा है, बट होप करता हूँ यार कि बारिश ना हो, बारिश हो गई तो भाई पूरा खेल बिगड़ जाएगा, समझ रहे बात को ना, हम मुक्तेश्वर पहुँच पाएंगे और फिर ब्लॉग भी शूट नहीं हो पाएगा। एंड अगर लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग यार, ये जो पहाड़ की राइडिंग कर रहा हूँ ना मैं याली, ये मतलब ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि यार अपने यहाँ के पहाड़ों की तो आदत हो गई थी ना। तो फिलहाल से यार ये अंकल भी बहुत ही हल्के चला रहे हैं, तो इनसे थोड़ा सा आगे निकलते हैं हम। तो फिलहाल से यार मतलब ये पहाड़ों के जो मोड़ हैं ना मिल नए हैं, तो इसलिए मैं संभल के आराम से चला रहा हूँ। ओहो ऐसा हो रहा है भयंकर, एक तो रोड बहुत नैरो है ना यार ये, मतलब जगह ही नहीं है भयंकर, एक ही गाड़ी जा सकती है, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। मतलब ट्रैवल करने में पता है बहुत ही मज़ा आ रहा है यार सच में, इसलिए तो हमें बादल वाला मौसम चाहिए था भाई, ब्लॉक करने का मन भी होता है समझे बात को। और हल्की हल्की ये क्या बारिश होने लग गई, तो फटाफट से भवाली पहुँचे सबसे पहले हम। एंड भवाली पे हम खाएंगे पकौड़ी वकौड़ी जो भी वहाँ की फेमस, एंड उसके बाद चलेंगे भाई राइड कंटिन्यू करेंगे। मतलब अभी हमें इतनी डिस्टेंस कवर करनी है ना कि जैसे बनबसा में हो तो मैं पहुँचूँगा चंपावत, मतलब मेरे को बनबसा से भी चंपावत जाना है ये मान लो, समझ रहे बात को, मतलब बोल तो 1.5 घंटा लगेगा अगर मैं ब्लॉग शूट करते करते गया तो, क्योंकि मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ ना इसलिए देर लग रही है, तो भाई तुम्हें बताइए भाई कितना तगड़ा राइडर हूँ मैं, ठीक है। तो फिलहाल से यार जो रोड का है ना भाई वो तो कुछ कहना ही नहीं है, रोड का सीन तो एक नंबर का है, और अब हमारा सीन बताते हैं खाना खाने के बाद। सॉरी हम यहाँ पे रुक रखे हैं क्योंकि यार धूप आ रही है ना, तो सोचा कि यार थोड़ा सा धूप सेक लें, आगे का मौसम तो लग नहीं रहा भाई धूप वाला। तो फिलहाल यार देखो ऊपर आ रही की धूप, देखो कितना मस्त लग रहा है यार भाई साहब, एक नंबर का। एंड यहाँ पे टाइम लैप्स ले लेता बट यार उतना टाइम नहीं है, मुक्तेश्वर पहुँच के लेंगे यार सब चीज़ ना शॉट्स वगैरह। तो फिलहाल से यार अभी मेरे गोप्रो पे 54 मिनट्स की वीडियोस रिकॉर्ड हो सकती हैं बस, एसडी कार्ड फुल होने वाला है। और वो देखो महंगा बादल चल रहा दिखा, वो देखो वहाँ पे एक हो रूम खो
सो गाइस यार फिलहाल से अभी दो रास्ते का डे थे, हम जा रहे हैं 5 मिनट कम वाले रास्ते पे, मतलब जो ये रास्ता है ना जिस रूट पे मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ ये हमें 5 मिनट पहले पहुँचा देगा मुक्तेश्वर के लिए। एंड फिलहाल सर आगे का मौसम इतना मस्त हो रहा है भयंकर, पहाड़ों पे बादल गिर रखे हैं बहुत ही मस्त भयंकर, गर्मियों के टाइम पे ऐसा मौसम हो रहा सोचो भयंकर, ठंडियों पे कितना तगड़ा मौसम होता होगा भयंकर, मैं तो कांप रहा हूँ क्योंकि यार ठंडी लग गई पता बहुत ज़्यादा, बाप रे एक तो हाफ पहन के लाया क्योंकि यार वहाँ पे ना मौसम लग नहीं जाता कि भयंकर इतनी बारिश वारिश होगी इतना ठंडा भी हुआ करके, बट यार भयंकर यहाँ पे आके लग गया, बट यार यहाँ पे आके ना भयंकर बहुत ठंडी हो रही है क्योंकि भीमताल में भी भीमताल तक तो भाई धूप ही थी, उसके बाद से मौसम बिगड़ा हुआ है। तो खैर अब क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा यार, जाते ही भयंकर अब खाएंगे हम पकौड़ियाँ, बाप रे बहुत ही ठंडा, वो देखो भयंकर पाले कितने तगड़े गिर रखे हैं वहाँ कसम एक नंबर भाई, भाई साहब इस नज़ारे को जितना देखो ना भयंकर उतना कम होता पता है यार, वो भयंकर हो करता हूँ मैं दिख रहा हुआ वो देखो ठीक है भयंकर एक नंबर भाई एक नंबर, जैसा मुझे मौसम चाहिए था वैसा मिल गया भाई, आई एम सो हैप्पी। सो भाई सर फिलहाल से हम मुक्तेश्वर की राइड कंटिन्यू करते हैं, एंड भाई इतना प्यारा सा मौसम हो रहा है ना, मतलब उस पहाड़ पे है तुम्हारा छाया, उस पहाड़ पे छाया और इस पहाड़ पे धूप है, फिर इस पहाड़ पे छाया और भाई जो स्काई है ना वो बहुत ही मस्त लग रहा है, ब्लू स्काई है वाइट बादल है और साथ ही साथ पहाड़, मेक्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अब सीधे निकलते हैं भाई मुक्तेश्वर पहुँचते हैं यार, वहाँ का सीन देखते हैं, मैं मुक्तेश्वर में गया ऐसा खास बात वो देखते हैं, बहुत तारीफें सुनी मुक्तेश्वर की बहुत अच्छा करके ये वो चीज़ ना भाई, नज़ारा देखो भयंकर एक नंबर का, यहाँ तो भयंकर खतरनाक ही हो रहा भाई समझ रहे बात को, बस बादल वगैरह इधर पे नहीं आ रखे हैं, वो भी टाइम आएगा ठंडियों के टाइम पे होता होगा ऐसा, लेकिन यह पहाड़ ना पहाड़ी हुए बट प्लेन्स की कंपैरिजन पहाड़ बेटर हुए समझ रहे बात को। तो फिलहाल से चलते हैं एंड अप्रोक्सीमेट 5 किलोमीटर बचा हमारा मुक्तेश्वर, देखो उधर का मौसम हो रहा है पूरा काला काला, बट हमारे पीछे का मौसम जस्ट धूप वाला हो रखा है, इसलिए हमारे पीठ पे ना धूप लग रही है भाई, मजा आ रहा कसम से, देखो वो देखो यू कैन सी वो उधर का काला काला मौसम हो रखा पूरा भयंकर, और इधर साइड का धूप का हो रखा पूरा, लेकिन भाई जो भी है ना मजा बहुत आ रहा है कसम से लिटरली बता रहा हूँ मैं भाई, सब इतनी प्यारी जगह है यार भाई, मतलब रेट भी नहीं कर सकता कोई से तो यार, वो देखो कितना प्यारा लग रहा हूँ आपको इधर को देखो। सो गाइस लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग यार, मुक्तेश्वर 7 किलोमीटर बचा है एंड यार यहाँ के जो नज़ारे देखने को मिल रहे ना भाई उससे साबित हो जाता है कि भाई मुक्तेश्वर एक नंबर की जगह है, एंड अब वहीं जाके पता चलेगा कि यार एक नंबर की है या फिर कैसी नंबर की, समझ रहे बात को। तो फटाफट से करते हैं मुक्तेश्वर कवर एंड भाई मतलब भाई एनर्जेटिक फीलिंग ओके, मतलब ना समझ रहे बात को, ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं और पहली बार इतने तगड़े मौसम मिला मुझे समझ रहे बात को, मतलब जब से मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी ना तब से लेके अभी तक का ये बेस्ट मौसम है, और ऐसा ही मौसम हो तो यार ब्लॉग पे पूरे चारों चांद लग जाते हैं और ब्लॉग करने का मन भी करता है। ये देखो भाई नज़ारा नज़ारा ही नज़ारा भाई नज़ारा ही नज़ारा समझ रहे हो बात को, नज़ारे भी कम पड़ जाएंगे कि इतने नज़ारे हैं यहाँ पे। सो गाइस यार कुल मिला के मौसम ऐसा हो रही है दिल गार्डन गार्डन हो गया भैया समझ रहे बात को, ये ड्राइवर यहाँ पे शूट करता है एंड फ्लास यार भाई मतलब यार जब मैं गोप्रो पे अपनी नज़र डाल रहा हूँ ना नीचे को भाई इतना तगड़ा व्यू आ रहा है ना भाई, मैं सोच रहा हूँ कि भयंकर तुम लोग क्या झेलोगे इतने तगड़े नज़ारे को, तुम्हारा मन तो करेगा भाई आने को। मुक्तेश्वर की मार्केट पे हमने एंटर कर चुका है एंड यहाँ पे ना रिसॉर्ट्स वगैरह बहुत हैं, मतलब पूरे 2 किलोमीटर के अंदर ना मतलब जितनी भी रोड जाएगी 2 किलोमीटर के अंदर पूरे तुम्हें रिसॉर्ट्स वगैरह ही दिखेंगे, अभी दिखाते हैं तुम्हें स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, यहाँ से लेके तुम्हें अभी तक जहाँ तक दिखाऊंगा ना भैया वहाँ तक तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रिजॉर्ट्स वगैरह दिखेंगे। एंड फिलहाल से यार हम खाते हैं खाना भाई क्योंकि यार बहुत ही भूख लग रही है, ठीक है पेट में चूहे कूदते हैं ना वो आज इसलिए तो मेरे साथ हो रहा है क्योंकि यार ना सुबह हमने नाश्ता किया था अब लंच कर रहे हैं तो बज गया तुम्हारा 5 बज गया होगा, तो फिलहाल से नाश्ता करते हैं एंड उसके बाद तुमसे मिलते हैं। अभी का सीन कुछ इस प्रकार है कि यार मैंने लंच वगैरह सब चीज़ कर लिया था, एक चीज़ मतलब बेकार सी लगी कि यार मुक्तेश्वर में ना मतलब पता नहीं फेमस तो जो भी चीज़ है, पहली बात तो हमारा टाइम भी था उतना घूम नहीं पाए और दूसरी मार्केट बहुत छोटी है वहाँ की मुक्तेश्वर, एंड यार सबसे मेन बात ये थी कि मैं गोप्रो की ना दूसरी बैटरी भूल गया था, तो फिलहाल से मेरी बाइक यहाँ पे मतलब गोप्रो की बैटरी भूल गया तो वहाँ पे गोप्रो बंद हो गया था, अब यहाँ पे चाय वगैरह पी तो यहाँ पे चार्ज लगा हल्का फुल्का एंड यार बैटरी चार्ज हो गई। यार ये जो लोकेशन है ना भाई बहुत ही मस्त है भाई एक नंबर, ऐसा नज़ारा ना भाई तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में मैंने जितने भी व्यूज़ देखे ना मतलब ऐसा नज़ारा कहीं पे भी नहीं मिल रखा है, तो फिलहाल से यार भाई ये बहुत ही मस्त जगह है। तो फिलहाल से मुक्तेश्वर तो ठीक ठाक ही था,
बट जो रास्ता है ना मुक्तेश्वर का भाई, वो एक नंबर है, समझ रहे आपको। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना भाई इस व्यू के लिए।